स्टेशन बंद किए गए हैं, सीएए को लेकर आज विरोध प्रदर्शन है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जसोला मेट्रो स्टेशन बंद, शाहीन बाग मुनरिका मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। तो स्थिति को देखते हुए और जिस तरह से आह्वान किया गया है देश भर में बंद का, प्रदर्शन का, उसके चलते जामिया मिलिया इस्लामिया जसोला मेट्रो स्टेशन बंद, वहीं शाहीन बाग और मुनरिका मेट्रो भी बंद की गई है। तो दिल्ली में कई स्टेशन जो हैं वो बंद किए गए हैं, सीएए को लेकर आज विरोध प्रदर्शन है और लेफ्ट पार्टियों ने देश भर में ये विरोध बुलाया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी में, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी काफी किरकिरी यहां पर हुई थी और उसी से सबक। और आपको बता दें कि जानकारी भी सामने आ रही है कि लाल किला और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन को भी एहतियात के तौर पर बंद किया गया है, यानी कि आप अगर वहां से गुजर रहे हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं तो आपको यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एहतियात के तौर पर ये स्टेशनों को बंद किया गया है क्योंकि लगातार सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नाराजगी है और अब लेफ्ट पार्टियों ने देशव्यापी प्रदर्शन करने का यहां पर ऐलान किया था, जिसका असर कई जगहों पर देखने को मिला और अब दिल्ली में भी एहतियात के तौर पर कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि लाल किला चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन भी बंद है, तो स्थिति खराब ना हो पाए और कोई दिक्कत यहां पर लोगों को ना हो, इसी के चलते ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। तो सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया जसोला शाहीनबाग मुनरिका मेट्रो स्टेशन बंद, इसके अलावा लाल किला चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है। तो सीएए को लेकर लगातार विरोध जो है वो तीव्र हो रहा है और अब लेफ्ट पार्टियां सड़कों पर उतरी हैं, उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। उसी के चलते यूपी में धारा 144 और अब दिल्ली में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो लेफ्ट की देशव्यापी प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर, कई मेट्रो स्टेशन पर पुलिस का पहरे के साथ उनको बंद किया गया है। तो वहीं हर एक गतिविधि पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। तो लेफ्ट पार्टी ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ बंद बुलाया है, जिसका असर सुबह से ही देखने को मिला। बिहार के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर अपनी नाराजगी को जाहिर किया और इसी के चलते दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों को अब बंद किया गया है।